नाज़रीन, हिंदुस्तान को एक बार फिर 1947 की जरूरत है। अब वक्त आगे आए कि हिंदू अपना मुल्क लेकर अलग हो जाएं, ताकि बाकी आवाम, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो या किसी भी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले अम पसंद, मिलकर रह सके। वादा करता हूँ जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। ओह नो। तो यार इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी रियलिटी शोज के बारे में। यार तुमने ना तरह तरह के रियलिटी शोज या फिर भैया टीवी शोज तुमने देखे ही होंगे, लेकिन भैया पाकिस्तानी रियलिटी शोज की तो भैया बात ही अलग है। हेलो, वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद विलायत बात कर रहा हूँ जी, सांगर से। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, 2-3 दिन हो गया मुझे टट्टी नहीं आ रही। ओह नो। क्या नहीं आ रहा आपको? टट्टी नहीं आ रही। हेलो। अच्छा, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है। 3 दिन हो गए। ओह नो। मैं खुद इनकी बात को। अरे भैया, जब सामने वाला बता रहा है कि उसे टट्टी नहीं आ रही है तो यार तुम्हें बताना चाहिए ना इलाज। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो भैया मोहतरमा ऐसे इग्नोर कर रही हैं जैसे कि इनसे कुछ चीज मांग ली हो। इस घर में सिर्फ ठंडा चलेगा। अब यार तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार जहाँ तक कि ये चाय पत्ती का कोई ऐड होगा, लेकिन रुको, ये कोई चाय पत्ती का ऐड नहीं है। Nope. अब यार मैं ना तुम्हें स्टोरी बता रहा हूँ। क्या होता है कि सबसे पहले लड़का चाय लेकर के आता है, उसे लगता है कि शायद लड़की इतनी मेहनत कर रही है तो उसे चाय देना चाहिए। अब जब वो चाय ऑफर करता है तो लड़की सामने से कहती है उसे गर्म नहीं चाहिए, उसे सिर्फ ठंडा चाहिए। अब ठंडा का मतलब क्या होता है? ठंडा मीन्स हम तो ये समझते हैं ना, लेकिन भैया पाकिस्तान में ना ठंडा का मतलब होता है कॉन्डम। Oh no. इस घर में सिर्फ ठंडा चलेगा। जोश मेंथा, ठंडा मतलब भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अरे भाई साहब, ये कौन सा नशा करके ऐड बनाते हैं? अब यार एक बात बताओ, अगर कोई इंसान अपनी फैमिली के साथ बैठ के घर में टीवी देख रहा हो, अब अचानक से अगर ऐसे ऐड आ जाए ना, तो यार तुम्हें तो यही लगेगा ना कि ये तो भैया चाय का ऐड है। लेकिन यार जब तुम्हें बाद में पता चले कि भैया ये चाय की चुस्की के पीछे कॉन्डम की चुस्की के ऐड आ रहे हैं, तो भाई साहब तुम कभी जिंदगी में ना अपने घर वालन के साथ कभी टीवी नहीं देखोगे। अरे भैया, इससे थोड़े महंगे ऐड तो अपने तरफ आते हैं। अरे ठीक है, उसमें कोई लॉजिक भले नहीं हो, लेकिन कम से कम ये तो नहीं दिखाते हैं ना कि ब्रू गोल्ड कॉफी के नाम पे कॉन्डम के ऐड आ रहे हो। अब यार जैसे कि तुम लोग जानते ही हो कि भैया पाकिस्तानी रियलिटी शो मतलब ये होता है कि जब तक आपस में मारम पिट्टी ना हो ना, तो रियलिटी शो का मजा ही नहीं है। अब जैसे कि तुम इन्हीं चच्चा को देख लो। बाहर निकलो, तुम मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्या मसला? अरे क्या मसला किया तुम्हारे साथ? तमीज है मुझे तेरे को बहुत है। बात करते हैं लड़की से, तुम्हारे को बहुत है तमीज मेरे से। बात सुनो, बदतमीजी नहीं करना मुझसे। और भैया इतना ही नहीं, वहाँ के न्यूज चैनल वाले ना कम हरामी नहीं है। भैया उनकी टीआरपी तभी बढ़ती है जब ना न्यूज चैनल में डिबेट चल रही हो, डिबेट के बाद जो कुट्टम कुटाई और जो मारम पिट्टी होती है, उसके बाद न्यूज चैनल वालों की तो टीआरपी बढ़ जाती है। अब हमारे इंडिया में क्या होता है कि भैया टीआरपी बढ़ाने के लिए तरह तरह की न्यूज दिखाते रहते हैं। कभी एलियन की न्यूज दिखाएंगे तो कभी भैया स्वर्ग ही दिखा देंगे। लेकिन इस तरह के सस्ते न्यूज दिखा के भी भैया इनकी टीआरपी नहीं बढ़ पाती है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तानी मीडिया की बात करूँ तो भैया इनको ना टीआरपी
आरपी के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि भैया उनके यहाँ की न्यूज तो कम रहती है, अब इंडिया की न्यूज तो ज्यादा रहती है। तो भाई ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, वो आपस में ही डिबेट्स करते करते ही खुद में ही मारम पिटी चालू करके खुद ही एक न्यूज बन जाते हैं। अब उस डिबेट्स वाली कुट्टम कुटाई वाली वीडियो को दूसरा न्यूज चैनल वाला दिखा रहा होता है, और वैसे ही करके ना इनकी वीडियो पूरे पाकिस्तान में क्या इंडिया में वायरल हो जाती है, पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। तो बस यही तो है इनके न्यूज चैनल की टीआरपी बढ़ने का राज। मतलब जब भी पाकिस्तानी कोई न्यूज चैनल में जब भी डिबेट्स चल रहे होते हैं ना, तो भैया ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई आपस में डिबेट्स कर रहे हो या अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हो, क्योंकि भैया इनकी डिबेट्स तब तक के खत्म नहीं होती है जब तक के इंसान एक दूसरे को गिलास फेंक के या माइक फेंक के एक दूसरे का सर ना फोड़ दे। मुझे कुछ यार तुम्हारी हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं यार, प्लीज सुन लो, प्लीज यार भड़बड़ करते हो, क्या मतलब है तुम्हारा यार, वी शुड यार कुत्ते के बच्चे थोड़ा वो कर, मैं बस कर दे, बस कर दे यार, बस कर दे कामरान साहब, ये तो बंद करा दी आवाज, बंद करा दे यार आवाज, बस दोनों पार्टी। मैं तेरे बाप की उम्र हूँ, तू मुझसे टू टू करके बात करता है, जब तुम पैदा नहीं हुए थे उस वक्त मैं मेंबर पार्लियामेंट था जब तुम पैदा नहीं हुए थे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ या तो इनकी सीट चेंज करा दें, हाफिज साहब आप इधर आते हैं, मैं बंबू हूँ ये सुरंग है, अच्छा हाफिज साहब आप चुड़ैल हो तुम लोगों के लिए, मैं बंबू हूँ ये सुरंग है, अच्छा हाफिज साहब आप चुड़ैल हो तुम लोगों के लिए, क्या कर रहे हैं आप लोग, ना कर रहे हैं, मुझे रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ेगी, मैंने रिकॉर्डिंग से नहीं बात करने दे, अब भैया जो पाकिस्तानी एडवर्टीजमेंट वहाँ बनते हैं ना, वो भैया इंडियन एड्स के पिछवाड़े की कॉपी करते हैं, मतलब भाई साहब पूरा एकदम उल्टा चलता है वहाँ पे। अब देख लो ना, हमारे यहाँ किटकैट के नाम पे चॉकलेट मिलती है, लेकिन भैया पाकिस्तान में ना किटकैट के नाम पे घमोरियों वाले पाउडर मिलते हैं, जिसे तुम खा तो नहीं सकते हो, लेकिन हाँ अपने शरीर पे लगा के लोगों को सुंघा जरूर सकते हो, क्योंकि भैया ये टैल्कम पाउडर नहीं है, ये भैया टॉलकम पाउडर है, टॉलकम टॉलकम पाउडर, टॉलकम पाउडर। एक्सक्यूज मी जी, कौन सा परफ्यूम यूज करते हैं? सॉरी मैं परफ्यूम यूज नहीं करता। तो ये महक कैसे? ये तो किटकैट टैल्कम पाउडर की है। वाह अमेजिंग, किटकैट टैल्कम पाउडर, टैल्कम पाउडर सब इस्तेमाल करते हैं, आप भी कीजिएगा, हर लम्हा ताजगी का एहसास। एक्सक्यूज मी, आप भी? मेरी नहीं, हम सब की पसंद किटकैट टैल्कम पाउडर। और यार इतना ही नहीं, हमारे यहाँ इंडियन एड्स में ना जीभ तभी लपलपाती है जब भैया सेंटर फ्रेश को देख लिया जाए, लेकिन भैया पाकिस्तानी एड्स में ना कॉन्डम को देखते ही भैया जीभ लपलपाने लगती है। अबे कॉन्डम को देख के कौन ऐसे मुंह बनाता है? नहीं मुंह तो ऐसे बना रहा है जैसे कॉन्डम नहीं पूसी कैट देख लिया हो। नानी मेरी जान, अब तो खुश हो ना? अब अच्छी नींद आएगी, होश में आओ, जोश दिखाओ, जिंदगी में जोश लाओ। भाई सब क्या है ना कि इंडिया में चॉकलेट के नाम पे सिर्फ चॉकलेट ही मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में ना चॉकलेट को ऐसे बदनाम किया गया, ऐसे बदनाम किया गया कि पूछो मत। अरे हाँ यार, पाकिस्तान में चॉकलेट के नाम पे ना पान मसाला के एड बनाए जाते हैं। गोगो चौका चॉकलेट पान मसाला। अबे मतलब क्या हो गया ये पाकिस्तान वालों को, मतलब समझ में नहीं आ रहा भाई साहब ये चॉकलेट से क्या दुश्मनी है। अरे ठीक है यार, किटकैट का नाम पसंद ना आ रहा था तो कुछ और नाम रख लिया होता, लेकिन खाने वाली चॉकलेट को इन्होंने भैया सुंघाने वाला पाउडर बना डाला, जिसे तुम सूंघो या सुंघाओ वरना गांड मरा। और उसी पाउडर का नशा करके ना ये भैया सेंटर फ्रेश च्युइंगम को भी बदनाम कर दिए, जहां पर भैया सेंटर फ्रेश च्युइंगम को देख के जुबान लपलपाया करती थी, लेकिन भैया पाकिस्तानी एड्स में तो बिल्कुल उल्टा है, ये तो भैया आर्टिफिशियल च्युइंगम को ही देख के इनकी जुबान लपलपाने लगती है। और भैया ये चाय के ऐड के नाम से तुम यार कुछ और ऐड क्यों दिखाते हो? एक बात बताओ यार, जहाँ चॉकलेट का ऐड बनाना चाहिए वहाँ तुम पाउडर का ऐड बना रहे हो, और वो भी सुंघाने वाले पाउडर का ऐड, और जहाँ च्युइंगम का ऐड बनाना चाहिए वहाँ तुम कॉन्डम का ऐड बना रहे हो। मतलब भाई ये चल क्या रहा है पाकिस्तान में यार? अरे लंगड़ा चल रहा है यहाँ पे यार। तो यार बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और यार वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक
तो यार पिछली वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे उनके नाम है उमेश, डी के साहू, अभय, अमिता, सुमित रोशन, MAMP क्रिएटर्स, सिल मारो। भाई साहब चिल मारो लिखना चाहिए था, सिल मारो क्यों लिखे हो, कैसे कैसे नाम होते हैं भाई आप लोग के भी। तो यार बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट्स किए। और यार जिन लोगों को मैंने शाउट आउट नहीं दिया है तो यार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और भैया अच्छा सा कमेंट करना ताकि अगली वीडियो में आपको शाउट आउट जरूर दूं। तो यार चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, और यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हां बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, वरना होता क्या है वीडियो मैंने आज अपलोड की है तो होता क्या है भैया 2 दिन बाद तुम्हारे पास नोटिफिकेशन जाता है, फिर आप लोग मुझे कमेंट करते हो, फिर मुझे बताते हो कि भाई आपके वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तब मुझे मालूम चलता है कि भैया ये तो YouTube की नौटंकी है। तो यार इसलिए मैं कहता हूँ कि बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यार चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।